मैं हूँ सुरभि गोयल, एक हॉरोस्कोप रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ टैरो कार्ड रीडर. और ये है मेरी टैरो कार्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 9. आज जिस कार्ड की हम बात करने जा रहे हैं वो उस कार्ड का नाम है द एम्प्रेस. अब समझते हैं इस कार्ड को. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस सीरीज को शुरू से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली मैं किस कार्ड को कैसे और क्यों इंटरप्रेट करें. आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके नोट्स आपके दिमाग में ही बन जाएंगे. तो चलिए सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा शुरू करती हूँ किसी भी कार्ड को, हम उस कार्ड को उसके नंबर से शुरू करते हैं. और यहाँ पे कार्ड का जो नंबर है वो है नंबर 3. नंबर 3 जो होता है वो जुपिटर का नंबर होता है. जुपिटर मैं आपको समझा चुकी हूँ ज्ञान का नंबर है. जुपिटर का मतलब है ज्ञान, इसका मतलब है नॉलेज. तो ये जो पर्सन है इसके पास नॉलेज, क्रिएटिविटी, ज्ञान, पैसा, इन चीजों की कमी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है. जब कार्ड पॉजिटिव है तो नंबर 3 से आपको एजुकेशन भी मिलेगी, आपको फैमिली भी मिलेगी, आपको रिलेशनशिप्स भी मिलेंगे, आपको नॉलेज, क्रिएटिविटी, हर चीज मिलेगी. आप बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होंगे और जिस फील्ड में चाहेंगे उस फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे. आगे अगर हम रीड करेंगे तो हम इस पर्सन को क्या बोलेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है इस कार्ड का वो है येलो. येलो का मतलब जो हमारे पास बैकग्राउंड का कलर हुआ वो भी येलो हो गया, नंबर भी जुपिटर का हो गया. दोनों ही चीजें इतनी पॉजिटिव मिल गई और जुपिटर का ही कलर हमें मिल गया, मतलब न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है. कुछ अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं, बहुत अच्छे आप कुछ कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होने वाली हैं, बहुत अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी. येलो कलर है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी कुछ चल भी रही है तो थोड़ी बहुत रेमेडीज करके वो सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं. ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. अब अगर हम बात करेंगे इस पर्सन की, ये जो लेडी है ये चेयर पे बैठी है और जो इनकी ये चेयर है इसका कलर है ऑरेंज. क्योंकि इनकी चेयर का कलर ऑरेंज है इसका मतलब कि अभी तो ये बहुत पॉजिटिव पोजीशन पे हैं, बट इन्होंने अपनी लाइफ में ये सब कुछ जो अचीव किया है वो बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद अचीव किया है. आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स फाइनली आज इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है. पहले इन्होंने मेहनत की है, सफर किया है, हार्डवर्क किया है और स्ट्रगल किया है और आज इनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएटिविटी, सब कुछ अच्छी चीजों का टाइम है. आप इस लेडी को देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्राउन पहना है. ये जो क्राउन है ये कैसा लग रहा है, शाइनी डायमंड जैसा सा क्राउन लग रहा है, राइट? डायमंड का क्राउन लग रहा है. क्राउन हम किसी को कब पहनाते हैं, जब वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं. राजा महाराजा रानियों को, इन लोगों को क्राउन पहनाया जाता था. बट आजकल हम डेमोक्रेसी की दुनिया में रहते हैं तो आजकल हम किसी को रियल का क्राउन नहीं पहनाते हैं. लेकिन आप क्राउन कब पहनाते हैं, जब कोई इंसान बहुत नॉलेजेबल हो या किसी ने बहुत अचीव किया हो या हम किसी से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते. जब कोई इंसान इस लेवल पे पहुंच जाता है तब उसे क्राउन पहनाया जाता है. इसका मतलब आज इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है. दिस पर्सन हैज अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ. डायमंड का क्राउन एक और चीज रिप्रेजेंट करता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये जो पर्सन है ये एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं. अब अच्छी बुरी फैमिली ये सब रिलेटिव होता है, बट मेरे हिसाब से वो पर्सन रिच है जो अपनी बेसिक नीड्स और बेसिक नीड्स के ऊपर के भी खर्चे आराम से कर सकता है, जिसे किसी चीज के लिए किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, जो आराम से अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकता है और थोड़ी बहुत एग्जॉटिक लाइफ भी लिव कर सकता है और किसी से उसको कुछ मांगना नहीं पड़े. तो बेसिकली हम कहेंगे कि ये अच्छी फैमिली को भी बिलोंग करते हैं. अब आप अगर इनका हाथ देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो हाथ है यहाँ पर इन्होंने एक मिरर पकड़ा है. मिरर का मतलब क्या होता है, जब आप सुबह उठते हैं अपनी शीशे में शक्ल देखते हैं, कोई पिंपल हो जाता है तो कैसे पता चलता है पिंपल हुआ है या चला गया, अपने आप को जब आप शीशे में देखते हैं.
जब आप पार्टी के लिए तैयार होते हैं तब आप क्या करते हैं, आप शीशे में देखते हैं। आप ये तो नहीं करते कि आपने किसी से पूछ लिया मैं कैसी लग रही हूँ, किसी ने बोल दिया गंदी या अच्छी तो आप मान लेंगे। आप हमेशा शीशे में खुद को देखेंगे और उसके बाद जज करेंगे कि आप कैसे लग रहे हैं। सो सिमिलर इज द केस हियर, जो शीशा होता है वो हमेशा हमें सच्चाई दिखाता है, हमेशा हमें गाइड करता है कि देखो ये आपकी रियलिटी है। अगर आपको एक्ने हुआ है तो शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। शायद आपके आसपास के लोग बोल देंगे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं है, तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन एक शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए इस लेडी के हाथ में मिरर है, इसका मतलब ये गाइड कर सकती है, ये दूसरों को सही रास्ता दिखाती है। लोग इनके पास आते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, सजेशंस लेते हैं और ये दूसरों को सही रास्ता, अच्छा रास्ता दिखाती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्होंने एक गाउन पहना है और ये गाउन कैसा है, बहुत ही लूज गाउन है। एक लेडी बहुत ज्यादा लूज कपड़े कब पहनती है, जनरली तब जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो ये कार प्रेगनेंसी को भी दिखाता है। अगर कोई पूछे मेरा बेबी नहीं हो रहा है कब तक हो सकता है और ये कार्ड आए तो आप बोलेंगे बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं, 1 से 2 साल में ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या हो सकता है कि छोटा सा बेबी अभी भी आपके वोम में आ गया हो। बहुत ही फर्टिलिटी के लिए कार्ड बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो इनका गाउन है वो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा भी गाउन है, ये भी बताता है कि ये एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है। अब देखिए हम यहाँ आते हैं कि चेयर पे, इनकी चेयर के नीचे ये सिंबल बना हुआ है, एक हार्ट शेप बना है और उसके अंदर ये सिंबल बना है। फ्रेंड्स ये जो सिंबल होता है ना, ये होता है वीनस का सिंबल। जब भी ये सिंबल होता है ये दिखाता है लग्जरीज, कंफर्ट्स, फैशन, ये सारी चीजें वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं। एंड अ गुड फैमिली लाइफ, हमेशा हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ हो, बच्चे के साथ अच्छी लाइफ हो, तो शुक्र का यानी कि आपकी वीनस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब भी शादी की बात होती है हमेशा वीनस जुपिटर दोनों को देखा जाता है। तो वीनस आपकी लाइफ में गाड़ी, घर, मकान, लग्जरी, ज्वेलरी, पैसा, अच्छे ब्रांडेड कपड़े ये सब भी लेकर आता है और आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको वीनस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब आप देखेंगे ये क्रॉप है, ये फसल है जो नीचे से उग रही है, ये है क्रॉप। क्रॉप कब उगती है, जब लैंड फर्टाइल होता है। तो इस क्रॉप से भी आप बोल सकते हैं कि ये फर्टिलिटी का कार्ड है। अगर आप बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। ये फर्टिलिटी का कार्ड है, ये बहुत अच्छा ग्रोथ का कार्ड है, ये प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। जब क्रॉप उगती है, जब अच्छी फसल उगती है तो फार्मर को बहुत पैसा मिलता है, उसका वो सीजन अच्छा जाता है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाता है। इसलिए ये जो क्रॉप है ये ग्रोथ पीस प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। बैकग्राउंड में आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ हैं, देयर आर ट्रीज इन बैकग्राउंड, ये देखिए ये बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ हमेशा क्या दिखाते हैं, अगेन हमारी ग्रोथ प्लस प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं पेड़ भी। और आप देखेंगे यहाँ पे पानी भी आ रहा है, ये नदी है, रिवर, जहां पे भी पानी आता है पानी हमेशा दिखाता है इमोशंस को, यानी कि ग्रोथ कैसे मिलती है, प्रैक्टिकलिटी से। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, हर कोई आपको आएगा मुझे तो ये हो गया मुझे वो हो गया और आप अपनी चीजें लुटाते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, थोड़ा भी सेविंग्स नहीं करेंगे तो क्या आप आगे ग्रो कर पाएंगे, नहीं। और रिवर दिखाती है इमोशंस, तो बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस, दिल और दिमाग का एक अच्छा बैलेंस है और उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है, कोई पूछे क्या मैं इस रिलेशनशिप में जाऊं, मुझे रिश्ता आया है क्या मैं आगे जाऊं, आप बोलेंगे जरूर जाइए, आपके लिए ये रिश्ता बहुत फ्रूटफुल रहेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी। आपने अभी बहुत स्ट्रगल कर लिया है, अब आप मैरिज के लिए आगे जाना चाहते हैं ना, तो सब अच्छा होगा, इमोशंस भी होंगे, ग्रोथ भी होगी, कंफर्ट्स भी होंगे, फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी, आपको अच्छे लग्जरी कंफर्ट्स भी मिलेंगे।
और आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे, एक दूसरे के सच्चे पार्टनर्स बनेंगे, अच्छे सच्चे क्रिटिक्स बनेंगे, एक दूसरे को सही राह दिखाएंगे। कोई पूछे मैं बिजनेस कर लूं, आप बोलेंगे जरूर कीजिए, बहुत अच्छा है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल मिल सकती है, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके ऊपर गुरु का हाथ है, जुपिटर का हाथ है, और सारी चीजें अच्छी होंगी, बहुत ग्रोथ और लग्जरी मिलेगी। तो हर चीज के लिए ये पॉजिटिव कार्ड है। कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको उस कॉन्टेक्स्ट में उस क्वेश्चन को रीड करके और बहुत ही पॉजिटिव आंसर्स देने हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट कर रहा है ये। बस आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन के हिसाब से अब आप इस कार्ड को कैसे रीड करेंगे। कोई पूछेगा बच्चा नहीं हो रहा क्या चांसेस है, और ये कार्ड आया, आप बोलेंगे देखिए चांसेस तो बहुत ब्राइट है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा तो थोड़ी सी रेमेडीज कीजिए नंबर 3 की, और आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए, ये था मेरा लेक्चर नंबर 9। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कार्ड द एम्प्रेस। आप देखते रहिए इस सीरीज को, मैं सारे 22 कार्ड्स अपलोड करूंगी इसमें। एटलीस्ट बेसिक कोर्स में आपको यहाँ पर पूरा पढ़ाऊंगी। अपने कमेंट्स लिखते रहिए सो दैट आई नो कि आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लेक्चर्स। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करते रहिए, आप लोग डिस्कस कीजिए एक दूसरे से। और ऑकल्ट साइंस में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जो भी आप कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, उसे री रिवाइज कीजिए और उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच, और अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।